BS3 आपकी गाड़ी और वो थी जो BS4 तो भाड़े में जो कटाई होती है वो नहीं हो जाता है। आगे भी बढ़ना चाहिए ना, गाड़ी दूसरा हमने ले लिया ना आजादी से भी पहले। हाँ उसमें फाइनेंस नहीं किया और ऐसे ही फ्री गाड़ी ले लिया हमने अंग्रेजों के टाइम से जो है ना यही लाइन में हमारे। वन प्लस छोड़ देती थी 1 लाख प्लस। हाँ आराम से। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फैज ड्राइव। बहुत डिमांड आती है आपकी गुजराती ट्रक का वीडियो लेके आइए। बहुत सारे गुजराती ट्रक के वीडियो लाता जा रहा हूँ मैं। ये 10 चक्का गुजराती ट्रक है, ज़्यादातर अशोक लेलैंड के ही ट्रक रखते हैं भाई लोग। और ये जो ट्रक आप देख रहे हैं, ये जो खड़ा हुआ ट्रक है, ये है 2818 अशोक लेलैंड का। इसकी स्पेसिफिकेशन थोड़ी सी बता देता हूँ मैं आपको। इसमें हाइनो सीरीज का 5.7 लीटर का इंजन आता है, 5660 cc का इंजन होता है, 6 सिलेंडर इंजन ही आता है, 180 HP 180 HP की इसमें पावर आती है, 660 Nm 660 Nm का इसमें टॉर्क आता है। और इसकी बॉडी देखिए कितनी खूबसूरत बॉडी है। और एक और बात इसके बारे में बताऊं मैं आपको, 23.5 फिट में भी ये आता है और 32 फिट में भी आता है, लेकिन 32 फिट में ज़्यादातर ये वाला ट्रक कंटेनर में ही चलता है। तो ये 23.5 फिट की बॉडी ही लोग इसकी यूज़ करते हैं, जो कि ये बॉडी है 23.5 फिट की जो बॉडी लगी हुई है। अभी 400 लीटर का इसमें डीजल टैंक आता है। खूबसूरती आप अलग ही देख पा रहे होंगे इसकी, देखिए बड़ा अच्छा है दिखने में। गुजराती स्टाइल की बॉडी जो रहती है साउथ स्टाइल की तरह ही बनती है। और इसमें एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है, साउथ की बॉडी से ज़्यादा अच्छी लगने वाली चीज़ जो ये यहाँ पे लिख के रखते हैं इस तरीके से, वो बड़ा खूबसूरत टच में लगता है। थोड़ा पुराना हो रखा है ट्रक, लेकिन अच्छा खूबसूरत है दिखने में। इस तरीके की इसकी पूरी प्रोफाइल है, फ्रंट प्रोफाइल आप लोग एंजॉय कर लीजिए। चिड़िया कबूतर भाई ने तो बना के रखे हैं, ग्लास पे विजिबिलिटी बहुत प्यारी है। इधर चलेंगे तो इधर बाइक आ रही है। यहाँ से देखिए आप प्रोफाइल को थोड़ा सा एंजॉय करिए। इस तरीके की प्रोफाइल जो है इसकी यहाँ से है, 10 टायर ये ट्रक है। और ये देख सकते हैं आप, 400 लीटर का प्यारा सा इसमें डीजल टैंक लगा हुआ है। इस तरीके की पूरी बॉडी बनी हुई है। ये चलते हैं, ऑल इंडिया परमिट का स्टीकर लगा हुआ है, जय विजय रोड वेस आप देख सकते हैं लिखा हुआ है यहाँ पे। इस तरीके के टायर्स हैं इसके, कबानी सेटअप आप देख पा रहे होंगे, हल्का सा धूल मूल लगी हुई है, थोड़ा गंदा है वरना और ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। ये है इसकी पीछे की प्रोफाइल, गुजराती में कुछ लिखा हुआ है मुझे इतना आता नहीं हो, जिन भाई गुजराती में ऐसे बोल सकता हूँ, इससे ज़्यादा मुझे आता ही नहीं है। इधर से आपको ट्रक दिखाऊं तो ये बट्टे लगे हुए हैं, डिंग डिंग डिंग। इधर देखेंगे आप स्पेयर व्हील की जगह है और इधर दो बैटरी लगी हुई है। ये थोड़ा बहुत गुजराती इतना मैं बोल लिया। और यहाँ से आप देखेंगे इस तरीके का है। यहाँ से मुझे खुद हंसी आ गई। तो ये चढ़ने का बना के रखा है भाई ने, देख सकते हैं हमारे भाई भी हाई उठ गए। मेरी वजह से डिस्टर्ब तो नहीं हुआ, उठा तो नहीं, नींद पूरी हो गई ना आपकी? ठीक है, वो बाकी चढ़ने के स्टेयर्स वगैरह बहुत अच्छे हैं, बहुत थोड़ा ग्राउंड पे है तो आराम से चढ़ सकते हैं। अब चलते हैं अंदर, अंदर की तरफ से पूरी डिटेल बताता हूँ आपको। अभी हम ट्रक के अंदर आ चुके हैं। ट्रक के अंदर मैंने थोड़ा अपना बैग वगैरह इधर रख दिया है, भाई सो रहे हैं हमारे, इसलिए थोड़ा सा कंजेस्टेड जगह है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो साउथ की तरह जो है बिल्कुल यह डैशबोर्ड नहीं बनाते। पारस भाई हमारे साथ है, पारस भाई बहुत बहुत स्वागत आपका, मोस्ट वेलकम। और आपका गुजराती ट्रक है और ये जो आपने बनवा के रखा है बड़ा एंटिक बनवा के रखा है, अलग स्टाइल में। ये सीधा सलंग जो ये बनवा के रखा है डैशबोर्ड को, ये स्टोरेज वगैरह सब इसी में बनवा के रखा है, ये वो भी स्टोरेज है किंग जो लिखा है। ये अपना वो रेडिएटर का पानी डालने का लिया था ना। अच्छा, रेडिएटर का पानी डालने का। और बिल्कुल जो MID है वो आपने ये ब्लॉगिंग वगैरह के लिए लगा रखा है? नहीं, ये तो क्या ऐसे सामने रहेगा तो कोई फोन आएगा तो ऐसा। अच्छा, उसके साइड में वो डब्बी लगा हुआ है, ये हाँ ये अपना ये एयर सिलेंडर का लगता है, एयर सिलेंडर लगता है ना अपना, क्या जाम हो जाता है तो ये लाल हो जाता है। इसके जो इंजन हम कैसे सांस लेते हैं, हाँ वो ऐसे लेता है अंदर से, तो अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो लाल हो जाता है, इसमें वो लाल पट्टी आ जाता है। तो ये आता ही है ट्रक में, आपने लगा सभी गाड़ी में आता है सभी, इसमें ये नहीं आ देता है। अच्छा, ये दो बटन दे रखे हैं, ये ये 4 इंडिकेटर का है और ये अपना ये कोई वायरस वायरस वगैरह आ जाए तो। कितने गियर आते हैं इसमें पारस भाई? इसमें 6 गियर 6 स्पीड है ये। कितना खर्चा आया पारस भाई इसको पूरा बनवाने में? पूरा गाड़ी बनवाने में तो 4 लाख के आसपास लग जाता। 4 लाख में पूरा गाड़ी बन के तैयार हो गया ये। इस टाइप का भाई ने ऊपर माइका वर्क करा के रखा है, आप देख सकते हैं ये पीछे की तरफ माइका वर्क सिंपल बनवा के रखा है भाई ने, ज़्यादा तामझाम नहीं करवा के रखा है। एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी जो आपने करवा के रखी, आपने जो ग्लास पे बहुत तामझाम नहीं कराया, क्योंकि बाहर की तरफ दिखने में दिक्कत होता है फिर क्या, इधर आगे कोई खड़ा रहेगा बाइक वाला तो दिखेगा। हाँ दिखेगा, मतलब विजिबिलिटी रेडियम वगैरह सब लगाते तो दिखेगा नहीं बिल्कुल। ये मैं देख पा रहा हूँ पारस भाई लगा रखा आपने, ये आपने जैसे कि बताया था मैं आपके भाई। हाँ ये मेरे बड़े भाई है। बड़े भाई मतलब जो खत्म हो गए। हाँ खत्म हो गए है ना। तो ये कितना पुराना ट्रक है पारस भाई आपका? ये मेरा 2019 का मॉडल है। 2019 का मॉडल है, 2818 है, 2818। फ्री हो गया होगा अभी? नहीं अभी तो लोन चालू है, मैंने रिफाइनेंस किया था इसमें। अच्छा रिफाइनेंस तो अभी किया होगा आपने? अभी जस्ट 1 साल जितना हुआ। 1 साल मतलब आपने इसमें 4 साल का फाइनेंस लिया था? नहीं पहले था वो तो 3 साल का था। अच्छा अभी लास्ट में बाद में 1 साल बात करवाया वापस। मतलब 3 साल का फाइनेंस आपने फ्री कर लिया, फिर 1 साल इसको फ्री चलाया? हाँ
फिर उसके बाद वापस फाइनेंस कराए, क्या दूसरा गाड़ी लिया ना, हाँ उसमें वो पैसा डाल दिया। तो पारस भाई आप इस धंधे में कब से हैं? मैं वो क्या मेरा 6-7 साल हो गया। 6-7 साल आपका खानदानी बिजनेस है क्या ये? दादा के टाइम का। दादा के टाइम का। तो घर में और भी ट्रक होंगे आपके? हाँ बहुत। कितने ट्रक है घर में? हमारे सब चाचा भतीजे सब ट्रक चलाते, 7-8 ट्रक है हमारा। 7-8 ट्रक है, सब अशोक लीलैंड रखते हैं? अभी अशोक लीलैंड। टाटा क्यों नहीं रखते? नहीं टाटा में हमारा क्या, हमारे पहले से ही दादा थे वो भी अशोक लीलैंड ही लिया था गाड़ी। अच्छा, इसलिए पहले से ही। मतलब कितने टाइम से है आपके, मतलब दादा ने कब शुरुआत की थी आपके? ट्रक की कीमत उन्होंने 15,000 में ट्रक लिया था। 15,000 में? 15,000 में ट्रक, नया ट्रक लिया था? हाँ नया लिया। कौन से सन में लिया होगा उन्होंने? एकल से लिया होगा 1920 के आसपास। 1900? हाँ। क्या बात कर रहे हैं? मेरे दादा आजादी से भी पहले? हाँ, क्योंकि वो क्या मेरे दादा थे ना, हाँ उसके पिताजी थे ना, हाँ वो भी ड्राइविंग लाइन में ही थे पहले से ही। और बापरे मतलब वो अंग्रेजों के टाइम से जो है ना यही लाइन में हमारे। आपका तो बहुत पुराना बिजनेस है। अभी मेरे दादा अभी तो नहीं है, हाँ लेकिन अभी हम पापा है। अच्छा, बड़े पापा है वो सब कब चलाते हैं। क्या बात है यार पारस भाई, मतलब आपको तो बहुत पुराना, आपके पापा फिर दादा, दादा के पापा सब मतलब सब इसी बिजनेस में रहे आप लोग सभी। तो आप मतलब जैसे कुछ एजुकेशन आपने किया है? हाँ। कहाँ तक? 10th तक किया। 10th तक किया, उसके बाद आपने सोचा कि अब धंधा जब खुद का है तो उसमें ही। तो आप गुजरात के रहने वाले हैं पारस भाई? प्योर गुजरात, राजकोट। तो आपके घर में जो सारे ट्रक है वो 10 चक्का है या 12 चक्का और दूसरे भी है? नहीं 10 चक्का ज्यादा है, 12 चक्का तो दो ही गाड़ी है। 10 चक्का ज्यादा रखने की वजह ना आप 6 चक्का रख रहे हैं ना 12 ना 12 क्या, पहले से ही जो बिजनेस है हमारा 10 चक्के का गाड़ी का। अच्छा, हाँ। तो कच्चे माल पे चलते हैं पक्के माल पे चलते हैं पारस भाई? और कोई भी माल चलता है अपना, ट्रांसपोर्ट में कोई भी माल मिल जाए। तो आप लोग जब इतने पुराने हैं पारस भाई, तो आपके पापा भी इसी फील्ड में होंगे? हाँ। तो वो उनका अलग ट्रक चलाते हैं? हाँ वो अलग। तो आप किसी ट्रांसपोर्टर से चलाते हैं या पर्सनल बुकिंग रहती है? पर्सनल भी बुकिंग रहती है और कोई हमारा माल नहीं रहता तब ट्रांसपोर्ट बुकिंग लेती है। अच्छा, जैसे अभी अपन इस ट्रक की बात कर रहे हैं पारस भाई, कितने में लिया था ये वाला ट्रक? 22 लाख में चेचिस पड़ा था मेरे को, 22 लाख में चेचिस पड़ा था। 4 लाख का आपने बॉडी बनवाया, 26 लाख। और ये फाइनेंस करा के टोटल कितना पड़ गया होगा? 3 लाख रुपया मेरे को ऊपर देना पड़ा, मतलब ये 30 लाख के आसपास पूरा ट्रक पड़ गया। 30 लाख। आपने डाउन पेमेंट कितना करा था? 0 0 0। आप मोटर मालिक है तो 0 पे मिले। कितना किस्त आता था इसका? इसका आता था 70,000 रुपये। 70? अच्छा, कम बनवाया था आपने। 3 साल में जो किस्त में कभी ऐसा हुआ कि घर से आपको देना पड़ा? नहीं, अभी कोरोना के टाइम पे बहुत दिक्कत हुआ। अच्छा, कोरोना के टाइम पे दिक्कत हुआ था। दूसरी गाड़ी थी ना अभी भी, और अभी अभी तो क्या थोड़ा ठंडा है, बारिश के टाइम में तब थोड़ा। हाँ बारिश में तो देखिए थोड़ा ठंडा ही रहता है। नहीं लेकिन फिर भी जैसे ये वाला जो ट्रक है आपका, इसका जो आपने ट्रक को फ्री करा उस टाइम कभी दिए घर से? कभी नहीं कुछ हुआ, कभी नहीं दिया ना, नहीं जाता है उतना। मतलब किस्त आराम से निकाल लेते थे आप, उसके बाद 1 साल फ्री चलाया आपने? फ्री चलाया। फिर वापस से फाइनेंस कराने का क्यों सोचा? वापस क्या, दूसरा गाड़ी हमने खरीदा ना, हाँ जो मेरे पापा चलाते हैं, हाँ उसको फ्री ले लिया गाड़ी, वो गाड़ी गाड़ी को फ्री ले लिया। हाँ। उसको मतलब उसको फाइनेंस नहीं है? नहीं, उसमें फाइनेंस नहीं किया और ऐसे ही फ्री गाड़ी ले लिया हमने। वो 2014 का मॉडल था, हाँ और हमारे पास 2-3 लाख रुपए पड़े थे, हाँ और उसमें आधा पैसा डाल के ले लिया। तो वो कौन सी गाड़ी है जो पापा? वो भी अशोक लेलैंड है, वो भी 10 चक्का ही है। 10 चक्का। अच्छा, वो पूरी फ्री गाड़ी पड़ गई आपको? हाँ, वो पूरा फ्री। और अभी इसमें लोन कर लिया। इसमें कितना लोन किया आपने? उसमें क्या है 2014 की गाड़ी तो उसमें फाइनेंस ज्यादा नहीं बिकता था। अच्छा, कम बिक रहा था। पुरानी गाड़ी में फाइनेंस ज्यादा नहीं मिलता? हाँ। नई गाड़ी में मिल जाता है? मिल जाता है। वो आपको गाड़ी फ्री पड़ गई? हाँ। और ये वाली गाड़ी कितने की फाइनेंस कराई दोबारा आपने? 12.5 लाख की। 12.5 लाख। अभी कितनी किस्त आती है इसकी? अभी 40,000 रुपये। 40,000 रुपये किस्त आता है। कितना क्या कागज का खर्चा लगता है आपको, इंश्योरेंस परमिट वगैरह साल भर का? साल भर का समझ लिए ना तो 60-70 हज़ार रुपये तो अपना इंश्योरेंस लग जाता है। इंश्योरेंस लग जाता है और अपना ऑल इंडिया परमिट में 20-21 हज़ार रुपये साल भर, हर साल लगता है? हर साल में। अच्छा, हर साल देना पड़ता है। इसके अलावा टैक्स और फिटनेस? फिटनेस का उसका तो ज्यादा आता है, नया मॉडल है इसलिए ज्यादा खर्चा नहीं लगता, उसमें 6-7 हज़ार रुपये लग जाते हैं फिटनेस में। फिटनेस में। और जो हर 3 महीने में टैक्स भरते होंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं आता हमारे में। लाइफ टाइम टैक्स? गुजरात का लाइफ टाइम रहता है। तो एक ही बार में लाइफ टाइम टैक्स भर दिया आपने पूरा? उसमें जब गाड़ी लिया था तब 1,35,000 भरे थे। 1,35,000 लाइफ टाइम, मतलब आपको 15 साल देखना ही नहीं है? हाँ, 15 साल के बाद जो होगा वो बाद में सरकार नक्की करेगी। हाँ, जब तक तो आप ट्रक ही बदल देंगे। हम लोग है ना 6-7 साल चलाते हैं गाड़ी। अच्छा, बाद में बेच देते हैं। बेच देते। कितना माइलेज देता है आपका ये ट्रक एवरेज? ये हम लोग सेल्फ में चलाएंगे, मतलब मालिक मोटर मालिक को, हाँ। तो 4.5 के आसपास दे देगा। दे देगा लोड पे? लोड पे। अच्छा, मोटर मालिक खुद चलाएगा। खाली गाड़ी का कितना वजन है इसका? खाली गाड़ी का 9-9.5 टन। 9.5 टन। पासिंग कितनी आती है ये? 19 टन की।
19 टन पासिंग आती है। इसका सर्विस कंपनी में कराते हैं या फिर नहीं? अभी तो बाहर करवाते हैं। पहले जो कंपनी का सर्विस था वो कंपनी में करवा लिया। अंदाजे से कराते हैं किलोमीटर से कराते हैं? हम लोग ना 60,000 किलोमीटर के आसपास चलता है तब करवा लेते हैं। क्या खर्चा बैठता है इसका पारस भाई? उसमें तो समझ लिए ना, ऑयल वगैरह सब चेंजिंग वगैरह करवाएंगे तो 30,000 के आसपास लग जाता है सब ऑयल चेंज वगैरह। 30,000? अब आपका जो ये 10 टायर है एक जोड़ा आपको 45,000 से 50,000 का पड़ता होगा। साल भर चल जाता है? जितना गाड़ी चलेगा उस हिसाब से। नहीं फिर भी जैसे आपको एक आइडिया होगा ना, 1.5 साल तो आराम से चल जाएगा। हाँ वो सीजन रहेगा तो 1 साल चलेगा, वरना 1.5 साल तक चल जाता है। अब जैसे माल नहीं रहने की कंडीशन में आप ट्रांसपोर्टर से चलाते होंगे, वरना आप डायरेक्ट ही रहते हैं। डायरेक्ट में ये फायदा हो जाता है कि ट्रांसपोर्टर का कमीशन भाड़े में जो कटाई होती है वो नहीं हो जाता है। तो जैसे डायरेक्ट जो चलाते हैं वो किस चीज़ पे चलाते हैं आप? डायरेक्ट में तो हमारा क्या है, वो अपना फूड का जो वो माल आता है कच्चा माल, हाँ वो बच्चे लोग खाते हैं, बच्चे नमकीन का पैकेट में जो आता है कच्चा माल, हाँ उसमें चलता है। कहाँ से लाते हैं वो? हमारा राजकोट से। राजकोट में फैक्ट्री वगैरह है? हाँ फैक्ट्री है। किस एरिया में है वो? अपना मेटोड़ा में। अच्छा तो कहाँ लेके जाते हैं उसको पारस भाई? मेटोड़ा से होके इंदौर आते हैं हम लोग। ये परमानेंट रहता है? हाँ वो हमारा परमानेंट रहता है। तो जो आप गुजरात से जो राजकोट से आपका इंदौर आते हैं कितना किलोमीटर रहता है? 600 किलोमीटर के आसपास हो जाता है। हाँ वो क्या रेट में छोड़ते हैं आप? राजकोट से आएगा तो उसका तो भाड़ा अलग, जो माल के हिसाब से भाड़ा लगेगा। फिर भी अंदाजन कितना लगता होगा पारस भाई? मिनिमम 55,000 के आसपास। 55,000 के आसपास। फिर जो इंदौर से कहाँ जाते हैं आप? फिर इंदौर से तो हम लोग क्या है, इंदौर से माल लोडिंग हो जाता है तो इंदौर से करते हैं, वरना धार चले जाते हैं। धार? धार मांडव, धार डिस्ट्रिक्ट, धार जिला, वहाँ से क्या करते हैं? वहाँ से वो अपना चावल वावल वगैरह सब कुछ माल जाता है, वहाँ पर राजकोट लेके जाते हैं। वहाँ से ट्रांसपोर्टर से रहता है वो भी, वो उधर गुजरात लेके जाते हैं। इधर से जाने का माल सब ट्रांसपोर्टर के थ्रू ही रहता है। अच्छा तो वो चावल क्या रेट में लेके जाते हैं आप? उसका तो मिल जाता है 25-30 हज़ार रुपये आज के। अच्छा राजकोट से इंदौर आते हैं और इंदौर से वापस धार जाके राजकोट जाते हैं, कितने दिन में हो जाती है वो ट्रिप? वो ट्रिप हो जाती है दो दिन में। दो दिन में। कोई अंदाजा बताइए ना उसमें, उस ट्रिप में आपका खर्चा कितना लगता हो? टोल लगता है उसमें 4,500 के आसपास टोल लग जाता है। आना जाना दोनों? आना जाना दोनों। ज्यादा लगता होगा ना? नहीं उधर से इंदौर से जो हम लोग अंदर होके आते हैं। अच्छा हाईवे से नहीं आते हम लोग? अच्छा अच्छा हाईवे से आते हैं तो 6,000-7,000 रुपए लग जाता है। अच्छा तो 4,000-5,000 रुपए टोल लग जाता है। डीजल कितना लगता होगा आपका? डीजल हमारा लग जाता है उसमें 300-350 के आसपास। 300-350 लीटर डीजल लग जाता है बस, एक यही खर्चा बैठता है। रिटर्न डीजल? रिटर्न पूरा उधर इधर से आना जाने का दोनों 350 लीटर। और भाई को आपने सैलरी पे रखा होगा? नहीं वो मेरे चाचा का लड़का। अच्छा चाचा का लड़का। आप घर के लोग ही चलाते हैं? चलवाते ड्राइवर लोग नहीं चलाते हैं। अच्छा तो अभी भोपाल कहाँ से आए आप? राजकोट से। राजकोट से क्या लेके आए? ये अपना रोटावेटर है ना, मशीन आता है ना। अच्छा ये जो मशीन की दुकान दिख रही है? हाँ वो सामने मशीन दिख रहा है ना। हाँ वो जो मशीन दिख रहा है वो लेके आया? तो वो भी डायरेक्ट लेके आए ट्रांसपोर्टर से? ट्रांसपोर्टर से। वहाँ से भोपाल कितना पड़ा आपको? राजकोट से पड़ा मेरे को 950 किलोमीटर। तो ये क्या रेट में पड़ा होगा आपको ट्रांसपोर्टर से? 70,000 रुपये। फिक्स रेट रहता है, मतलब टन वन का मामला नहीं रहता? उसमें क्या है मशीन में फिक्स रहता है, उसमें वजन फिक्स रहता है कि 15 टन के आसपास ही रहता है वजन। अच्छा फिर यहाँ से कहाँ जाएंगे आप? अभी यहाँ से माल कुछ लोडिंग होगा अपना। हाँ। वो फ्रूटी वगैरह आता है ना, फ्रूटी मंडीदीप से। अच्छा मंडीदीप से फ्रूटी वगैरह पीने की? वो राजकोट के लिए? हाँ वो राजकोट के लिए। तो ये किस ट्रांसपोर्टर से चलाते हैं आप? वो अपना मित्तल ट्रांसपोर्ट से। भोपाल के ये? हाँ भोपाल के लिए मित्तल ट्रांसपोर्ट। मित्तल ट्रांसपोर्ट। और वहाँ से जो आते हैं गुजरात से? वो भी अपने पड़ोस वाले के ही है। अच्छा जान पहचान। 1,000-1,500 रुपये कमीशन देते होंगे आप? तो इसमें आपका कितना खर्चा बैठा होगा जो आप गुजरात से यहाँ आए? यहाँ आने में तो समझ ली ना 7,000 तो आज आने का ही टोल टोल लग गया 7,000 तो। बॉर्डर लगी होगी? नहीं बॉर्डर तो अभी बंद हो गया ना। अच्छा हाँ एमपी बॉर्डर तो बंद हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और डीजल कितना लगा होगा यहाँ तक आने का? अभी यहाँ तक आने में अभी मैंने फुल करवाया था उधर 400 लीटर डीजल। हाँ इसमें 400 लीटर का टंकी आता है। अच्छा तो अभी मेरा चला हो गया होगा 250 लीटर के आसपास डीजल चला। 250 लीटर के आसपास चला गया होगा डीजल, मतलब पूरी ट्रिप में 500 लीटर के आसपास डीजल आ जाएगा। अच्छा आप घर के लोग हैं तो अच्छा प्रॉफिट आप बना लेते होंगे, क्योंकि अगर बाहर से चलवाएंगे तो उसको दिक्कत आता है। ये भी मेरा भाई है। अच्छा ये गाड़ी लेके आगे? अच्छा इनकी भी गुजराती गाड़ी है? हाँ। भाई क्या नाम है आपका? भरत भाई। चाचा का लड़का ये भी? ये भी चाचा के लड़के हैं। और जो नीचे खड़े हैं हमारे वो भी चाचा का लड़का ही है। अरे थोड़ा आइए ना मिलवाते उनसे भी। लड़का आप नाम बताइए ना अपना। बलदेव। भरत भाई, बलदेव भाई। अरे भाई को सुन देते, मैं नीचे आता हूँ। मतलब आप तीनों जो है, जो आपने रूट्स बताए इसी रूट पे आप लोग का आना जाना लगा रहता है? वैसे देखिए ट्रक लाइन जो है आपको पता है कि इसमें परेशानियां भी बहुत है, दिक्कत तो है थोड़ी, है ना? आरटीओ हुआ, बॉर्डर हुआ, दूसरी चीजें हुआ,
तो आपको क्या लगता है, आपको परेशानी लगती है जैसे आपका घर का? परेशानी में तो ऐसा है सर कि देखो अपने कायदे सर अपना जो माल होता है वो भर के चलोगे तो कुछ दिक्कत नहीं होगी। अंडर लोड ही चलते होंगे आप ज्यादातर, है ना? ओवरलोड वगैरह का मामला रहता नहीं होगा हमारा, ऐसा ही पूरा हाइट वगैरह। तो आपके हिसाब से लाइन कैसी लगती है? लाइन बहुत अच्छी है, लेकिन वो तो चोर लुटेरे का वो सब टेंशन रहता है सर। कहाँ पे ज्यादा दिक्कत आती है चोर लुटेरे की आपको? वो तो कोई भी सिटी में चले जाओ तो सिटी में तो ऐसा दिक्कत रहेगा ही। अच्छा, मतलब हाईवे पे ऐसे गाड़ी खड़ा रखोगे तो कोई डीजल वगैरह निकल। हम लोग तो क्या है, रात को होटल पे ही रुक जाते हैं। अच्छा, होटल पे रुक जाते हैं, रात को हम लोग सिटी में नहीं जाते। अच्छा, जैसे एक बात करें, जो आपने एक साल फ्री गाड़ी चलाया था, तो फ्री गाड़ी चलाने में आपको क्या छोड़ देती थी गाड़ी मंथली? वन प्लस छोड़ देती थी 1 लाख प्लस? आराम से जब फ्री गाड़ी चलाते थे। तो ये रीफाइनेंस कराने की जरूरत क्या फिर? फ्री चलाना चाहिए ना इंसान को? फ्री चलाना चाहिए, लेकिन आगे भी बढ़ना चाहिए ना, गाड़ी दूसरा हमने ले लिया ना। हाँ, मतलब बिजनेस को बढ़ाना तो जरूरी है, तरीके से करे तो इंसान कर सकता है इसमें आज के टाइम पे भी। मेहनत करना वाला चाहिए। सही बात है, जैसे आपने संभाल लिया घर का बिजनेस, तो ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी बिजनेस चल सकता है, क्योंकि जो आपके पापा हैं दादा हैं उनकी जो पहचान है वो आपके काम आ ही रही है, मतलब उनकी जबान पे आपको माल दे सकते हैं लोग, क्योंकि इसमें गारंटी का भी बड़ा मामला रहता है ना। कोई भी नया इंसान ऐसे जाता तो उसको देते नहीं ना, भरेगा ऐसे ही कोई गाड़ी नहीं भरेगा। हाँ, पहचान वाले का होगा तो भी, पहचान वाले का होगा तो भरेगा। जी, ये जो ट्रक है हमारे दूसरे वाले भाई का, तो इसके बारे में भी थोड़ा बहुत बता ही देते हैं। जैसे कि मैंने बताया इसमें मॉडल का डिफरेंस, दोनों 10 चक्के जी, लेकिन ये जो है 2516 है, इसमें भी इंजन वही आता है 5.6 लीटर वाले, 7 लीटर वाले, 5660 cc का इंजन है, लेकिन इसमें 2516 है, तो 160 HP की पावर है और टॉर्क भी जो है 550 Nm का टॉर्क है। हालांकि 25,000 kg का पूरा ग्रॉस व्हीकल वेट, मतलब 25 टन पूरा ग्रॉस व्हीकल वेट पहले आता था, अभी ये भी सेम पासिंग है, अभी 28 पूरा इसका वजन है और 19 टन ये भी पासिंग आता है, मतलब सेम पासिंग है, 6 सिलेंडर इंजन आता है। लेकिन इसमें जो दूसरी फिट वाली बॉडी बताई थी मैंने आपको, 32 फिट जो कंटेनर में आती है वो इसमें नहीं आती, इसमें खाली 23.5 फिट वाली बॉडी आती है और डीजल टैंक इसमें 330 लीटर का आता है, ये फर्क हो जाता है। बाकी ये BS3 BS4 वाला फर्क हो जाता है, तो ये इस तरीके का बना हुआ आप क्लियरली देख सकते हैं, ये भी अच्छा खूबसूरत है, वो चीज़ देख सकते हैं आप जो बोला था, अच्छी लगती है, नीचे से हल्का सा निकला है, और ये जो क्यूट से जो ये लगता है ना बहुत अच्छे लगते हैं, मैंने अपने घर पे जो बुलेट है उसके ऊपर भी लगवा के रखे हैं, ये बड़ा अच्छा लगता है लाइटों के ऊपर अगर लगवा लिया जाए तो, बड़ा क्यूट सा एक लुक देते हैं। जैसे वो बॉडी पूरी पैक थी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर से ये थोड़ी सी खुली टाइप है और ये बड़ा सारा डीजल टैंक, तो इस तरीके से भाई ने इसको अंदर से बनवा के रखा है, आपको अंदर से थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये देखिए अंदर से कुछ इस तरीके की है, थोड़ी और खूबसूरत, इसका माइका वर्क थोड़ा और अच्छा है, उससे आप देख सकते हैं स्टेयरिंग वगैरह या बाकी जो चीज़ें हैं पीछे की तरफ देख सकते हैं, बाकी अच्छा है। ओपन वेंटिलेटेड कैबिन पूरा बना हुआ है, क्लियरली मैंने आपको पूरा कैबिन अच्छे से दिखा दिया। ये वाली गाड़ी जो है हमारे भरत भाई की, उन्होंने बोला था ये वाली गाड़ी भी दिखाने का, तो भरत भाई ये आपकी जो है 2516 है, वो 2818 है, ये BS3 है आपकी गाड़ी और वो थी जो BS4, मतलब ये सेंसर वाली नहीं है, सेंसर वाली है ना, और वो सेंसर वाली है। तो एक फर्क बता दीजिए, मैं ज्यादा परेशान नहीं करूंगा आपको, कौन सी अच्छी है, सेंसर वाली अच्छी है बिना सेंसर वाली? नहीं, अभी तो दोनों ही अच्छा ही है, सेंसर में प्रॉब्लम आ जाता है तो वो गाड़ी दिक्कत वाली, इसमें कुछ दिक्कत नहीं होता। मतलब गाड़ी जितनी सादी होती है, पुरानी गाड़ी जितनी सादी गाड़ी है उतनी आसानी है, अच्छा है, मतलब कोई दिक्कत आ भी जाएगा भरत भाई तो आप इसको देख लेंगे आराम से, आराम उस गाड़ी में कोई दिक्कत आ जाएगा तो उसके लिए मैकेनिक बुलाने पड़ेगा। थोड़ा सा जो मेंटेनेंस होता है, जैसे खर्चा की बात करें तो वो इस गाड़ी को ज्यादा खर्चा लगता है या उस गाड़ी को ज्यादा खर्चा लगता है? दोनों को सेम ही लगता है खर्चा। हाँ, इसमें तेल कम आता है, उसमें ज्यादा आता है, मतलब इसका एवरेज और अच्छा है। इसका कितना एवरेज है इसका? इसमें हो जाता है 5, ये 5 तक भी पहुंच जाता है, मतलब वो 4.5 तक रहता है, ये 5 तक भी पहुंच जाता है, चलाने वाले में रहता है सब। हाँ, अपने पास नहीं रहता है। दोनों गाड़ी चलाई होगी आपने, चलाने में ज्यादा पावरफुल और ज्यादा कौन सी अच्छी लगती है? पावरफुल में वो रहती है, पावरफुल में भी थोड़ा वो अपडेट मॉडल से चला तो उसमें पावर ज्यादा मिलता है। टाटा पसंद नहीं करते? नहीं, टाटा नहीं, इसमें खर्चा कम आता है, उसमें खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है। अच्छा, चलिए मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके भाई, आपसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा, आपसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा। तो गाइस ये था हमारा भाई लोगों के साथ पूरा वीडियो, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया भाई लोगों के साथ बातचीत करने में, और देखिए खानदानी बिजनेस से पूरा सेट कर रखा है तो बहुत सी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, मोटिवेशन देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको ट्रक लाइन बुरी नहीं लगेगी क्योंकि उन्होंने पहले से चीज़ को सेट करके रखा है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ अपना बताने का काम है। और गुजराती ट्रक की आपकी अभी अभी कुछ टाइम में बहुत ज़्यादा डिमांड आ गई और मैंने अच्छे से पूरी भी कर दी, मतलब ये ऊपर वालों का एहसान है कि मुझे ट्रक्स भोपाल के भोपाल में ही मिल जाते हैं, गुजरात नंबर को इस नंबर के। बाकी गाइस ये था हमारा छोटा मोटा वीडियो, ऊपर तो गाइस वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि अमेजिंग वीडियोस आपको रेगुलरली देखने को मिलते रहे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।